प्रदेश भर में 119 कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव को लेकर मतदान की प्रक्रिया सुबह 8:30 बजे से जारी है। मैं इस वक्त देवी महाविद्यालय में हूं, वहां पर भी अगर आप देखेंगे तो जो तमाम जो छात्र छात्राएं हैं वो यहां पर अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। 1:30 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलने वाली है। और डीएवी कॉलेज की बात करें तो सबसे अधिक छात्र छात्राएं यहाँ पर हैं, तकरीबन 11,000 से अधिक छात्र छात्राएं हैं जो यहाँ पर अपने मत का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर अलग अलग, चाहे हम एबीवीपी की बात करें, एनएसयूआई की बात करें और सत्यम आर्यन, ये ग्रुप के भी तमाम प्रत्याशी इस वक्त चुनावी मैदान में, 26 ऐसे प्रत्याशी हैं जो इस वक्त यहाँ पर अध्यक्ष, सचिव, महासचिव के पद पर चुनाव लड़ रहे हैं और अपनी जीत का दमखम भर रहे हैं। तो तमाम जो छात्र हैं उनमें यहाँ पर काफ़ी खुशी भी है, उत्साहित भी है, क्योंकि लंबे वक्त से जो है चुनाव भी यहाँ पर जो मतदान है वो नहीं हो पाया था और छात्रों की मांग भी थी। आप बताइए किस तरीके से इस बार का जो मतदान है उसे देख रहे हैं आप? कोरोना के बाद बहुत टाइम बाद हो रहा है, पहली बात तो ये, और हमें अच्छे भी लग रहा है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। वैसे वोट देने लोग आते भी नहीं हैं, हम चाहते हैं कि हम इतने आए हैं वोट देने। आपको पता है कोरोना हो रहा है स्टार्ट, तो मतलब वो जो उन्होंने जो भी बोला है, वादे किए हमसे, वो पूरे करें। यहाँ का सबसे पहले वॉशरूम होना चाहिए, ठीक है? वॉशरूम सबसे गंदा है यहाँ का, पढ़ाई तो चलो जो भी है, पहले वॉशरूम सही होना चाहिए यहाँ का ना। तो और बाकी टीचर लोग तो सही हैं, मैं बीकॉम से हूँ तो बिल्कुल सही हैं टीचर, तो बिल्कुल सही पढ़ाते हैं, ठीक है, असाइनमेंट देते हैं हमको। पर वॉशरूम जब सच में, जब मैं पहली बार आता हूँ तो वॉशरूम बेकार लगा था मुझे। और वाईफाई तो होना चाहिए, वाईफाई होना चाहिए क्योंकि नेट तो बहुत ही जरूरी आज की डेट में, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है वो हिंदी में बोल रहे होते हैं, मैं इंग्लिश मीडियम का हूँ, मुझे समझ नहीं आता तो मैं गूगल में कर सकता हूँ, ठीक है? और बस यही कहना था मुझे, वॉशरूम ठीक करो पहले। बिल्कुल, देखिए क्योंकि जब कोई अपना छात्र नेता चुनता है तो उसके बाद जो है तमाम जो उनसे ख्वाहिशें भी होते हैं कि इस तरीके से जो कॉलेज में, चाहे जिस तरीके से जो दिक्कतें हैं वो भी पूरी होनी चाहिए। और यही वजह है कि तमाम जो छात्र नेता जो इस वक्त यहाँ पर जो चुनाव के मैदान में है वो अपने छात्रों से वादा भी करते हैं कि उनकी हर एक मुश्किल में वो साथ होंगे। तो 1:30 बजे तक ये मतदान यहाँ पर चलने वाला है, आज ही इस मतदान के परिणाम आ जाएंगे और जो 26 प्रत्याशी हैं उनमें से छात्र किसको अपना नेता चुनते हैं वो भी आज ही तय हो जाएगा। सहयोगी निशान चौहान के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।